आपको तो पता है ना, मैं भूली नहीं हूं आपको, छोड़ा नहीं है मैंने आपको, कभी ऐसा नहीं कर सकती पायल। ओ मेरी जियो, तू मेरे दिल की धड़कन, लाडो सी मीठी पायल मेरी छन छन, बोसा सुबह का ओस है तू, सीपों के मोती आँखों में रे तू, बोसा सुबह का ओस है तू, सीपों के मोती आँखों में रे तू, तेरे लिए सपने बुनती तेरी माँ। जादूगरनी आंटी को ऐसे अकेले में रोते हुए तो कभी नहीं देखा मैंने, ये हल्की फुल्की बात नहीं है, कुछ तो बहुत भारी बात लग रही है। अब तुम्हें पता करके ही रहेगी कि दरवाजे के पिच्छू ऐसा कौन सा भारी रह चुका है। लड़कियों के पैर क्यों धुला रहे हैं? अरे अगर हम बैठते तो हमारे पैर भी धो देते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। कंजकों की पूजा में कन्याओं की पूजा होती है, नवरात्रि है ना, तो ऐसा माना जाता है कि कंजकों के रूप में माता रानी अपना नौ रूप धारण करके हमारे घर में आती है। माता रानी बहुत दूर से आती है ना, तो पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा होती है, समझे? इसी घर में मेरी पायल की भी कंजक पूजा हुई है, उसे भी माता रानी का रूप माना गया है। उसके जाने के बाद हर साल उसका वो लाल लहंगा उसके निशानी पर मैंने कंजक पूजा में रखा है, तो इस साल क्यों नहीं? जब मुझे इस बात का यकीन है, मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी पायल यही कहीं है आसपास है, तो इस साल कंजक पूजा में उसकी मौजूदगी क्यों ना हो? मिलिंद ऐसा क्यों कर रहा है मेरे साथ? मिलिंद मुझे मेरी पायल के रूम में क्यों नहीं जाने दे रहा है? इतनी कड़ी सजा क्यों दे रहा है मुझे मिलिंद? जादूगरनी आंटी इतना रोई सिर्फ अंदर जाने के वास्ते, कुछ तो रात छुपा है ये दरवाजे के पीछे, पता करना पड़ेगा। अपनी बच्ची के लिए क्या सही है और क्या नहीं, ये और कोई तय नहीं करेगा, मैं करूंगी। इस बार कंजक पूजा में मेरी पायल की मौजूदगी होगी, बाकी कंजकों की तरह मेरी पायल भी माता रानी का आशीर्वाद है, इसका हिस्सा जरूर बनेगी मेरी पायल।
तो हम अपने लिए खुद से खरीद लेंगे। अरे पर उसके लिए पैसे चाहिए ना, वो कहाँ से लाएगा? पापा और काका हमें पैसे दे देंगे? वो नहीं देंगे, फिर भी हम ले लेंगे। अनुपर आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना ये पूजा अधूरी सी लग रही थी। पता है आपको ये क्या है? नारियल लड्डू। मेरी पायल को बहुत पसंद थे, आपको भी पसंद आएंगे। लीजिए। ऊपर जी कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद दिखे आप। मिले उसे नीचे आने के लिए मना किया था ना, फिर वो क्यों आ गई? पता नहीं आई। अब परेशान मत होइए, मैं कुछ करता हूँ। मिलन कहाँ पे चला गया है? मना किया था ना तुम्हें नीचे आने से, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? बहुत सिद्धि हो, जो तुम्हारा मन करता है बस करती हो, अपनी मन माने हो। तुम्हें समझ में नहीं आती कि तुम जोशी परिवार का हिस्सा नहीं होना पर, और ये कंजक पूजा जोशी परिवार की है। कौन सी भाषा में समझाऊं तुम्हें? मेरा जो नाम रखना है रख लो मिलिंद, पर पायल के नाम के आगे जोशी जुड़ा हुआ है। वो इस परिवार का हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी, और हर साल की तरह इस साल भी मैं उसे कंजक पूजा का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। तो मुझे चाबी दो रूम की, रूम में उसका लाल लहंगा रखा है, बस वो मैं एक बार पूजा में रख दूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरी बच्ची कंजक पूजा का हिस्सा बन गई। क्या बोल रहे हो तुम? क्या कहना चाह रही हो? पायल का लहंगा तुम कंजक पूजा में रख दोगे तो तुम्हें महसूस हो जाएगा कि पायल यहाँ पर है। किसको धोखा दे रही हो? खुद पर, मुझे या घर वालों को? तुम कहना क्या चाह रहे हो मेरे? मैं कहना क्या चाहता हूँ, तुम करना क्या चाह रही हो? मैं बार बार एक ही बात नहीं समझा सकती हो तुम्हें? चाबी दो, मुझे चाबी दो रूम की। बहुत हो गया तुम्हारा नट अनुपुर, बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने, फॉर गॉड सेक जस्ट। बहुत तकलीफ दिया तुमने अनुपुर मुझे, अब तकलीफ और दर्द की बारी सिर्फ तुम्हारी है। मैं मेरी पायल के कमरे की चाबी तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा अनुपुर, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही तुम्हें? नहीं नहीं, हमारी पायल मिलिंद, हमारी पायल। तुम मुझे अपनी पत्नी मानो या ना मानो, पायल की माँ मैं हमेशा रहूंगी। अपनी पति को तुम रोक सकते हो पर एक माँ को नहीं रोक सकते। कंजक पूजा में पायल की निशानी में रख के रहूंगी, कुछ भी हो जाए। तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती, यही भाषा समझ में आती है तो यही सही। एक बार कान खोल के सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम मुझे मेहमानों और कंजक पूजा में नजर नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पूजा ना माता रानी के लिए रखी गई है, तो वही तय करेंगे कि पूजा में कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है।
कमरे में जो नूपुर आंटी को इधर आके अच्छा लगता है, ना ही कोई टीवी है और ना ही कुछ मस्ती करने के वास्ते। इसमें क्या है? ये सब सामान पायल का है क्या? पायल कोई बच्ची है? और वो बच्ची है किसकी? पायल हम दोनों की बच्ची है, इसलिए उसके कमरे पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा मिलन। तुम मुझे उसके कमरे पे जाने से नहीं रोक सकते हो। मैं रोकूंगा नूपुर, हर बार रोकूंगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मरी हुई बच्ची की यादों के साथ उसकी मतलबी माँ को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा मैं। पायल मरी नहीं है, जिंदा है वो। सुना तुमने? जिंदा है मेरी पायल। तुम्हारे साथ बेकार की बहस नहीं करना चाहता मैं। मैंने कह दिया मैं चाबी नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा बस। ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि आज मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है बल्कि माँ से है, देवी माँ से। ये भी तो माँ है ना। तो आज मैं देखती हूँ एक माँ दूसरी माँ को अपनी बेटी की यादों से मिलने से कब तक रोक सकती है। आज मैं इनकी ममता की गहराई और ताकत को नापूंगी। अगर ये सच में माँ है तो आप सब भले ही मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, मुझे मेरी बेटी की यादों से कभी दूर नहीं रखेंगी। बंद करो अपना ड्रामा, बहुत ज्यादा नाटक कर रही हो तुम। हमारी शादी, हमारे रिश्ते का मजाक, उसकी धज्जियां उड़ा के तुम्हें चैन नहीं मिला कि सभी मेहमानों के सामने मेरे पूरे परिवार का तमाशा बना रही हो। मेहमान साल में बस दो दिन आते हैं मिलन, सिर्फ पूजा के टाइम पे। ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे उसकी तुम्हें ज्यादा परवाह है। पायल की कोई चिंता नहीं है, इस पूजा का वो हिस्सा नहीं बन पा रही, ये बात कोई अहमियत ही नहीं रखती है क्या तुम्हारे लिए? ठीक है सावित्री जी, हम लोग दो दिन के लिए आते हैं, अब वो भी नहीं आएंगे, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। ये लोग लड़ते रहे तो हमें हमारा गिफ्ट नहीं मिलेगा नेवार। इनका ध्यान भटकाने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये रिमोट कंट्रोल वाली कार यूज करता है ना, फिर देखना सब लोग इसे देखेंगे और वो सोचेंगे कि अरे ये कहां से आई, उनका ध्यान भटक जाएगा, फिर लड़ाई ओवर। वो क्या है? मेरी अंकल और नूपुर आंटी की फोटो है, पर ये बच्ची कौन है? शायद ये पायल होगी। हद कर दिया नूपुर तुमने, बस बहुत तमाशा कर लिया तुमने। पायल की यादों के साथ खिलवाड़ कर चुकी है, सब चीजें कर चुकी है, बस अब और तमाशा मैं तुमसे बर्दाश्त नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें जो इल्जाम लगा रहे ना मुझ पे लगा लो मिलन, पर सच ये है कि पायल की तलाश को खत्म कर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। सच ये है कि तुमने हमारे रिश्ते को खत्म किया है। सच ये है कि तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा, मैंने नहीं मांगा। सच ये है कि तुम्हारे अंदर प्यार को निभाने की शक्ति है ही नहीं, न मेरा साथ निभाने की, न पायल का साथ निभाने की। बस नूपुर बस। अब एक शब्द भी आके बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नूपुर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर ऐसे गलत और झूठा इल्जाम लगाने की? तेरी वजह से मेरा बेटा तिल तिल घुट रहा है, पर अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चली जाए यहां से, अब भी चली जा।
देवी माँ, मेरा भरोसा टूटता जा रहा है। अब एकमात्र आप ही मेरा भरोसा है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, आप मेरा साथ मत छोड़ना। आपका हाथ जिसके सर पे रहता है, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, उसे राह दिख जाती है। मुझे राह दिखाइए ना देवी माँ, मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज मुझे राह दिखाइए। थैंक यू सो मच, आज अपनी माँ के विश्वास को टूटने से बचा लिया है। मिलिंद, ये साथ में क्या कर रही है? शायद किसी ने नहीं सुना। क्या है ये तुमसे पूछ रहा हूँ? आज तुमने सारी हदें पार कर दी अनुपम। ये बाहर से आई पराई बच्ची को तुम पागल बोल रही हो? मुझे नहीं पता, मैंने जब मैं अंदर आई तो अंधेरा था रूम में, और जैसे ही देखा मुझे लगा कि हमारी पायल है। सच में मुझे ऐसा लगा कि हमारी पायल है। ये हमारी पायल नहीं है, ये हमारी कोई भी नहीं है। प्लीज मिलिंद, ऐसा मत बोलो प्लीज। ऐसा नहीं बोले तो कैसा बोले? तुम्हें समझ में आएगा वैसा ही बोलेंगे हम। और वो सब छोड़ो, कमरा बंद था ना, फिर ये लड़की अंदर कैसे आई बता? ताले लगे हुए कमरे के अंदर तू घुसी कैसे, बोल। इधर देखो मेरी तरफ। कुछ पूछ रही है ना ये तुमसे? जवाब तो, तुम अंदर कैसे आई? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।